शाह जी ने ये माना कि कई आन बनाए जाए, जैसे उन्होंने कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमें बड़ी उम्मीदें हैं और बड़ी हमें ये कहते हो कि बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है कि आने वाले समय में जो भी प्रावधान बनाए, कम से कम रियासत जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है, खासकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जॉब की इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से वो, हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हम यही कहते हैं कि जिस तरीके से हमारा पड़ोसी हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर एक डोमिसाइल एक्ट जो है वो वहाँ पर है, उसी तरीके से रियासत जम्मू कश्मीर में भी इस तरीके से कोई ऐसे प्रावधान लाए जाए कि यहाँ पर जो हमारा नौजवान है उसका एजुकेशन जो स्तर है, जो उसका एजुकेशन का जो लेवल है, वो कैसे हम अप्रेज कर पाए, और साथ और हमारे जो नौजवान खासकर आज भी जो हमारा कल्चर आइडेंटिटी को है कोई ठेस ना पहुंचे। पर भी जम्मू खिते के नौजवानों के लिए राष्ट्रवादी सोच को आगे ले जाने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए और अपनी डोगरा पहचान के लिए जो कोई भी संगठन ऑर्गेनाइजेशन इसमें अगर कोई बात करती है तो तीन जम्मू ने हमेशा उसका समर्थन किया है। आज उसी के चलते हमें लगता है कि जिस तरीके से हम नौजवानों से बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, एक अप्रिहेंशन सी है कि क्या होगा। वो अप्रिहेंशन दूर करने के लिए हमने सदन की प्रोसीडिंग्स पूरी हमने टेलीविजन पे देखी, और जिस तरीके से माननीय होम मिनिस्टर साहब ने बात कही और प्रस्ताव रखे और आश्वासन दिया कि हम रियासत जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट का दर्जा देंगे, जब तक वो चीज़ें नहीं होती हैं, यहाँ पे जैसे इंडस्ट्री की बात आई है हम वेलकम करते हैं, लेकिन वो इंडस्ट्रीज जो है वो इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, ग्रीन इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, ना कि नेगेटिव इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। मैं आपको जल्द, चाहे उसके लिए हमें कुछ देर इंतज़ार भी करना पड़ेगा, वही ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि वो उस तरीके के प्रावधान जो है वो यहाँ पर जरूर आएंगे। टीम जम्मू ने प्रेस वार्ता के पूरी वेलकम किया है, स्वागत किया है, जो आर्टिकल 370 और अनुच्छेद 35A को जो हटाया गया है, और साथ ही साथ हमें ये उम्मीद है कि बहुत जल्द जो जम्मू कश्मीर को जो यूटी का दर्जा दिया था, हम उम्मीद करते थे कि जम्मू को राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से इंग्लिश पार्लियामेंट में हमारी जो भारत का सबसे बड़ा प्रजातंत्र का मंदिर है वहाँ पर माननीय होम मिनिस्टर साहब ने जो आश्वासन दिया है कि जिस तरीके से हालात जो है रियासत यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में नॉर्मल होंगे, इसको वापस रियासत का दर्जा मिलेगा। इसके साथ में हम ये भी डिमांड करते हैं कि जैसे हमारी राष्ट्रवादी सोच रखने वाला हर युवा इसको वेलकम कर रहा है, लेकिन उन्होंने खुद भी माना है कि आर्टिकल 370 के चलते कई ऐसी पॉलिसीज थी जो रियासत जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाई, जिसके कारण हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो वंचित रहे और उनका एजुकेशन का स्तर नीचे रहा। हम डिमांड करते हैं कि जैसे हमारा पड़ोसी हिमाचल प्रदेश है, जिस तरीके के वहाँ पर प्रावधान है, जैसे आर्टिकल 371 है, उस तरीके से हमें भी उसमें कवर दिया जाए, ताकि